डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक इसका सॉल्यूशन करके दे चुका हूँ और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई करना तो है, लेकिन सूटेबल प्रॉपर्टीज इसमें यूज करना है, यूज करते हुए इसको प्रोडक्ट करना है। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं और इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं तो इसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको सॉल्व करते समय यहाँ पे आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि जीरो जो है आपके मल्टीप्लाई में आए और आसानी से आप मल्टीप्लाई इसको कर सकें। तो आइए देखते हैं, ये पेपर ले लेते हैं और ए नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये है क्वेश्चन। और इसको सॉल्व करने के लिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें ये दो ही प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस प्रकार से होता है, ए इंटू बी प्लस या माइनस, यहाँ बीच में हो सकता है सी। तो यहाँ प्लस या माइनस ही दो ही चीज़ रहेगा, थर्ड चीज़ नहीं रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं रहेगा या डिवाइड नहीं रहेगा, इस तरह से नहीं रहेगा। यहाँ पर इसको इस फॉर्म में, ये फॉर्म में आपका दिया रहेगा या फिर इस फॉर्म में दिया रहेगा। तो दोनों ही स्थिति में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, इस तरह का प्लस या माइनस का चिन्ह जब बीच में आएगा, ये माइनस नहीं, ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में है, इस तरह का नहीं, यहाँ बाहर में जब रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आएगा। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से इसमें ये यूज हुआ है। अब कैसे बनाएंगे? तो इसको जो है, जब दो चीज़ें आपस में मिलती है, ये एक पार्ट हो गया मल्टीप्लाई यहाँ पे है और ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस पार्ट में और इस पार्ट में ये जो है 48 माइनस 48 जो है मैच कर रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 48 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब हम इस तरह से कॉमन लेंगे कि माइनस प्लस का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हम माइनस को पूरा तरह से उठा लेते हैं, यहाँ से 48 को उठा लिए और मल्टीप्लाई इस पार्ट में से ये निकल गया, तो सिर्फ बचा 26। तो यहाँ पर 26 लिख लेते हैं, 26, और इस पार्ट में से तो ये प्लस जो है बीच वाला ये यहाँ आ जाएगा, और इस पार्ट में से ये निकल गया तो माइनस 36 बच गया। तो माइनस 36 ये लिख लिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 48 तो रह गया और ये जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इस ब्रैकेट को, छोटा ब्रैकेट को हटा देंगे। तो यहाँ पर 26 माइनस 36 ये हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, क्यों? जो नंबर बड़ा रहता है उसका जो चिन्ह रहता है वही नंबर, मतलब वही साइन जो है वहाँ रह जाता है। तो यहाँ पे माइनस 48 रह गया, माइनस 48 और मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10। 36 में 26 चला गया तो 10 बच गया, तो ये साइन रह जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वाला नंबर आ गया मेरे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो इसमें माइनस का चिन्ह रहेगा नहीं और 48 पे एक जीरो आके लग जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर बी, और यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है, और यहाँ पे तीन नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख सकते हैं किस प्रकार से है, इसमें तीन ठो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अंदर में भी मल्टीप्लाई है, तो ए बी सी मल्टीप्लाई ही होगा। तो हम किसी दो को इस प्रकार से सूटेबल रूप से ले सकते हैं जहाँ पे हमको जीरो मिलेगा, या फिर हम इन दोनों को बी सी को ले लें या फिर ए बी को ले लें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सब सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम इस पर देखते हैं कि कौन सा नंबर से हमको मल्टीप्लाई करने से जीरो आएगा। तो ये नंबर से ये नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाएगा, तो इसको एक साथ ले लेते हैं जो जीरो आएगा, 8 और इनटू ये जो ले लेते हैं इसको 125, इसको कर लेते हैं बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और ये ए बच गया 53, तो इसको साइड में रख देते हैं। अब जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस है, नंबर माइनस ओड रहेगा तो माइनस में आंसर उसका आता है। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाएगा माइनस 1000, ये मिल गया, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और फिर ये जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 53। तो जीरो वाला जो है मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, सबसे पहले माइनस रख देते हैं और 53,
इस पे कितने जीरो लग जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। सी नंबर लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर सी, और यहाँ पे आप देख लीजिए इसके इसके बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं भी प्लस माइनस यूज नहीं हो रहा है, तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, शॉर्ट में बता देते हैं आपके कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। अब किस प्रकार से लग रहा है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी तीन नंबर जो है आने पर लग सकता है, तो यहाँ पे तीन नंबर से ज़्यादा भी आएगा तब भी वही लगेगा, अगर सेम जो है मल्टीप्लाई सिर्फ हो रहा है तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही कहलाएगा। और इसमें चार नंबर तीन नंबर से ज़्यादा लग सकता है, इस और दो नंबर नहीं रहेगा इसमें, दो नंबर अगर रहता है तो उसको तोड़ के फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे चार नंबर है, तो यहाँ पे सूटेबल सिर्फ हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम 25 4 100 जानते हैं, एक ये इसके साथ कर देते हैं, और इसको अगर हम करेंगे तो इसमें भी जीरो आएगा। तो हम रख लेते हैं -25 × -4, एक पार्ट ये हो गया मल्टीप्लाई ही रहेगा, उसके बाद 15 × -10 ये हो गया। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 100, और ये माइनस में आएगा क्योंकि ये सिंगल माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस में आएगा 150, ये माइनस में आएगा तो 150 हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 150 माइनस में आएगा क्योंकि सिंगल माइनस प्लस माइनस होता है, ये जो है माइनस 150 पे दो जीरो आके बैठ जाएगा, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें दो नंबर दिया हुआ है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो था उसमें आपको तीन नंबर मिलता था, ए बी सी या उससे ज़्यादा मिलता था, और यहाँ पे भी दो नंबर मतलब तीन नंबर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे दो नंबर जो जिसे मिलेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये शॉर्ट में हम लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगा इसमें। तो किस तरह से अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में प्लस या माइनस जरूर आ जाता है, तो यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे तो हमको प्लस मिलेगा, तो यहाँ पे -41 रखते हैं और इनटू इसको 100 + 2 कर देते हैं, 100 + 2। अब हमको यहाँ पे प्लस का साइन मिल गया है। अब क्या है इसमें, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, तो 100 + 2 करेंगे तो 102 ही आएगा। अब क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे -41 × 100, ये हो गया, एक बार इसके साथ हुआ और एक बार इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस जो है यहाँ आ जाएगा और फिर -41 × 2, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 41 लिख देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस रखते हैं, 41 पे दो जीरो लगा देते हैं, इसको ब्रैकेट में भी रखते हैं, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस रख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 42 जाए 80 हो गया, और 82 हो गया, तो 82। अब इसको जब ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो माइनस प्लस जो है वो माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस यहाँ 41 और 82 ये जो है जुड़ जाएगा इसके साथ, तो -4182 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं ई नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर ई, और इसमें आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, दो पार्ट में दिया हुआ है, और ये एक चीज़ जो है मिल रहा है कॉमन, तो इसका मतलब है कि ये कौन से प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, प्लस यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में यूज होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब इसमें दो पार्ट हो गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब क्या करना है, जो मैच कर रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसको 625 को लेते हैं कॉमन, ले लिए, तो इस पार्ट में बचा क्या, इस पार्ट में बच गया मल्टीप्लाई यहाँ देते हैं, और इस पार्ट में बच गया ये -35, ये प्लस यहाँ रहेगा, और इस पार्ट में क्या बच गया, इस पार्ट में यहाँ से 625 निकल गया, तो प्लस वाला निकला है क्योंकि हम बार में प्लस लिए हैं,
तो प्लस निकल गया, तो यहाँ पे माइनस वन बच गया, मतलब माइनस यहाँ रह गया, तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये माइनस 65 हो जाएगा। तो इसको भी हम माइनस 65 रख लेते हैं और इसको ब्रैकेट करते हैं बंद। उसके बाद 625 इंटू ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस है ही, तो हम ये छोटा ब्रैकेट हटा देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, माइनस 20 35 और माइनस 65, ये हो गया। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे 625 इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 100 हो गया, ये 100। तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस 625 में 00 बैठा देंगे, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं एफ नंबर, ये क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई है और बीच में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस जो है इन दोनों के बीच है, इसका मतलब माइनस आने का मतलब है कि आप आँख मूंद के इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता तो चल ही गया होगा आप लोगों को। अब क्या करना है, ये इसके साथ और ये फिर इसके साथ, दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 7 इंटू हो गया ये 50, ये माइनस यहाँ, और 7 इंटू 2 ये हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जीरो वाला जो है 7 5 35 हो गया, 35 पे एक जीरो लगा दिए, माइनस 7 2 14 ये हो गया। तो कितना बच गया, इसका आंसर हो जाएगा 36। सबसे पहले 10 माइनस हुआ तो 40 हो गया, और फिर 4 माइनस कर दिए तो 40 में से 4 चला गया, 36 हो गया, 336। ये बहुत ही छोटा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी। यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है, तो दो नंबर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो नंबर रहेगा तो उसमें प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होता है, क्योंकि एक नंबर को तोड़ लिया जाता है और वहाँ पे माइनस या प्लस आ जाता है, इसीलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आँख मूंद के यूज करना है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें से या तो इसको तोड़ सकते हैं या इसको तोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक को तोड़ना है और एक को एट इट इज़ रख देना है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, फर्स्ट वाला को ही तोड़ते हैं, क्योंकि अक्सर इसको तोड़कर बनाया जाता है, तो हम इसको तोड़कर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस 20 लेना है, माइनस 20 प्लस 3, इसको इस तरह से रखना है। तो इसका और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर हम इसमें माइनस 20 में 3 प्लस करते हैं तो माइनस 17 आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और इसको जैसे कि तैसे रख देते हैं, माइनस 29 ये हो गया। अब क्या है, इसमें जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और फिर इसके साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई माइनस 29 एक पार्ट बन गया, ये प्लस आएगा बीच में, फिर 3 प्लस में है तो इसमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, 29 ये हो गया। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 58 580 ये हो गया प्लस। तो ये माइनस प्लस माइनस होगा तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, जो भी नंबर आएगा माइनस में आएगा, तो इसमें 87 आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होगा, मतलब ये इस तरह से आ जाएगा 580 माइनस 87, तो इसको माइनस करने पर हमको मिल जाएगा 493, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। लास्ट है एच नंबर का, लास्ट क्वेश्चन है एच नंबर का, और इसमें यहाँ मल्टीप्लाई दिया, यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होगा। तो प्लस माइनस जहाँ पे रहता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होता है, तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 57, हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस 57 लेते हैं, ठीक है। तो प्लस 57 लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये जो है पूरा निकल के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये निकल गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे हम प्लस लिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे माइनस बचा हुआ है, तो माइनस बचा हुआ है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा,
प्लस हो गया, तो मतलब हम यहाँ पे 19 प्लस ही लेंगे, 19 और ये प्लस यहाँ गया, उसके बाद यहाँ पे निकल गया है, तो निकल गया है जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 बच जाता है। अगर हम इसको फिर से इस स्थिति में बनाएंगे तो यहाँ पे फिर 57 आएगा, जैसे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 यहाँ पे आएगा। तो इससे ये बना है और इससे ये बना है, इस तरह से हमको बनाना है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा तो 57 × 20 हो गया, तो 57 × 20, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 114 और ये 0 इस पे आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।